ट्रीटमेंट में डाला जाए तो ये कहा जाए कि आई एम सॉरी टू से फॉर द हार्श वर्ड्स, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नोबडी लाइक्स यू, इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, घर में, घर में ही होता है। अब बाहर का सब्जी वाला तो लाइक करेगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं उससे, बाकी उसके अलावा तो यानी कि जो जो फोकट के लोग हैं बहुत ही कम लाइक करेंगे आपको। एंड द अदर थिंग विद दैट इज, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, वी सेटल डाउन हो रहा हूँ, आपकी हर चीज़ जो है ना, यानी कि एक तो इनकम्प्लीट, वो तो नॉर्मल है, वो तो पहले भी कह चुका हूँ, बट नामुकम्मल बनेंगे, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्री काम होता है। कोई भी काम कर लो आप सेटिस्फाई नहीं होते उससे कि ये हाँ ठीक है। तो ये बात, हाँ जी ऐसी बात है, ऐसे ही बात है, और ये बर्फी के बाद ही हुआ है सब कुछ, उससे पहले तो फिर भी ठीक था या उससे पहले भी ऐसे ही था? थोड़ी मतलब कि मैं उससे पहले मेंटली बहुत खुशहाल थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पैसे के लिहाज से, लेकिन एक और तरह की लाइफ में थी, लेकिन बाद में से अब तक अभी कुछ सही कह रहे हैं बिल्कुल। यानी कि एक और तरह की लाइफ में, यानी कि जिसको कहते हैं कि बेसिकली हमारे अब्बा का वर्ड है, ठहराव था तबीयत में, यानी कि उर्दू में सब्र। जी अब जो वो बर्फी के बाद जो है सब्र भी ख़त्म हो गया, ठहराव तो चला ही गया है। रात सोने के लिए लेटो तो नींद ना आए, तकिया अनकंफर्टेबल लगे, चादर पतली लगे, बेड अनकंफर्टेबल लगे, और अगर सो भी गए तो फिर और दिक्कत, यानी कि बहुत मसाइल रहे हैं आफ्टर द बर्फी। दिस इज़ राइट और रॉन्ग? नहीं बिल्कुल।